कहने को तो हर जगह खुशहाली है और नगर पालिका एवं जिला प्रशासन साथ ही प्रदेश की सरकार ने भी कई सारे दावे पेश किए हैं, जिसमें बताया गया है कि लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। लेकिन गुना मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बसी ब्रज बिहार कॉलोनी इस कदर अनियमितताओं का शिकार है जिसके बारे में कल्पना करना भी जायज नहीं। इस कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि यहाँ पर पानी तो है ही नहीं, साथ ही बिजली के खम्भों की व्यवस्था भी नहीं है। जब हमने वहां पर देखा तो पाया कि बिजली की तारें रोड पर लटक रही हैं, जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि कॉलोनी वासियों ने कई बार इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका में शिकायत की, लेकिन हमेशा वहां से यह कहकर भगा दिया जाता है कि आपका क्षेत्र नगर पालिका में नहीं आता, आपकी पंचायत लगती है। वहीं जब इन्होंने पिपरौदा पंचायत में जाके संपर्क किया तब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रहवासियों के मुताबिक पिछले 4 साल से यहाँ की स्थिति जस की तस है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जब बरसातें होती हैं उस समय तो और भी बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि बच्चों को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें भी गोदी में उठाकर रोड तक पैदल ले जाया जाता है, तब जाके वे स्कूल जा पाते हैं। देखने लायक होगा कि प्रशासन इनकी किस तरह से मदद करता है। यहाँ लाइट नहीं है, खम्भों की व्यवस्था नहीं है, दिक्कत होती है लाइट के बगैर, रोड ठीक नहीं है, पानी की समस्या है, बहुत दिक्कत है। पानी भी आता, पानी कभी आता है कभी नहीं आ पाता, ऐसे दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत देर भर पाता है नहीं भर पाता, लाइट भी नहीं है। तो आप लोगों ने पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? ले रहे हैं 200-300-400-500 रुपए महीना देना पड़ता है। ट्यूबवेल वालों के इधर से बहुत दूर से मतलब ले रखा है, प्राइवेट है, नली डाल डाल के। प्रशासन द्वारा कोई मदद? अभी कोई मदद नहीं है, ना नल कनेक्शन है ना कुछ है। तो पानी की तो बहुत समस्या है और लाइट की इतनी समस्या है, जब कभी आंधी तूफान चलते हैं ना तो बिल्कुल 8-8 दिन तक भी लाइट नहीं आती है कभी कभार। तो ये कॉलोनी किस चीज से पेश रही है? ये कॉलोनी ब्रज बिहार नाम से है और इनसे अच्छी तो हम गांव में रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी, हम पढ़ने के लिए यहाँ रह रहे हैं तो पानी बिजली और कई समस्या, हमें बहुत सी समस्याएं ऐसी, ऑटो भी नहीं आ पाती है, हमारे छोटे भाई बहन भी जा। और नगर पालिका और पंचायत के बीच में हमारी कॉलोनी पिसी हुई है, ब्रज बिहार कॉलोनी, यहाँ पर सारी समस्याएं, गांव से ज़्यादा बदतर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। गांव में तो फिर भी सड़कें और पानी की और लाइट की व्यवस्था है, मगर यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही, ना प्रशासन सुन पाता है, ना पंचायत सुन रही है हमारी, और यहाँ पर बहुत बेकार स्थिति बनी हुई है हम लोगों की। पानी कहाँ से लेने? पानी हमको 500 रुपये देकर के नहीं पानी लेना पड़ रही है प्राइवेट बोर वालों से, प्राइवेट जिनके बोर लगे हुए हैं उनसे हमें 500 रुपये महीने दे करके पानी लेना पड़ रहा है। तो वो भी कितना मिलता है? वो भी 10-15 मिनट मिल पाता है बस, हो जाता है पर्याप्त नहीं हो पाता है। हमको बोल रहा हूँ मैं, गांव से बदतर स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और स्थिति बहुत बेकार बनी हुई है। पानी की बहुत ही समस्या है, 500 रुपये महीना में लेते हैं, वो भी मतलब ढंग से नहीं आता है, 10-15 मिनट चलती है। और लाइट तो मीटर लाइट वाले से बोलते हैं, बहुत जब बोलते हैं खम्मा लाओ आप, हम पैसा उस खम्मा अब हम ला। हम इतने खम्मा कहाँ से लाएंगे, 1-1.5 लाख गरीब आदमी रहते हैं हम बिल्कुल, और सड़क भी नहीं बन रही है बिल्कुल। तो पानी आप लोग इधर से मोल खरीदते हैं और क्या? प्राइवेट प्राइवेट कितने पैसे देने पड़ते हैं? 500 देते हैं हम। 500 रुपये कितनी देर आता है नल? 15 मिनट 20 मिनट